थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको प्यार भरा जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। वचन कर हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य के 6वां अध्याय के अध्ययन में हम लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में हमारे अध्ययन को पूरी करने के बाद हम यहां से 7वें अध्याय में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज़ द नेम जीसस। ये सब लोग मिलकर अपने अपने बाइबल खोलते हैं। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 1 ऑनवर्ड्स हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे पहला वचन से। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन सातों मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुनाई दिया कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना कि 1 दीनार भर का सेर गेहूं और दीनार का 3 सेव जौ और तेल और दाखरस की हानि ना करना। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखा, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। नववचन में चलते हैं। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों में से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा? और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। 12वां वचन। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भुईडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी, कच्चे फल गिर पड़ते हैं, छिड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास, यहां तक कि हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की चट्टान की कोहों में जाकर जा छिप गए और पहाड़ों चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले, क्योंकि उनका प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? हमें उसके प्रकोप से, उस भयानक दिन से बचा ले, क्योंकि वो भयानक दिन आ पहुंचा है और उसका प्रकोप से हमें कौन बचा सकता है? आइए आगे बढ़ते हैं। 6वां अध्याय में हम
छठवां अध्याय में हम कुछ बातों का सारांश देखने के बाद हम सीधे सातवां अध्याय की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाएंगे। पहला वचन में देखते हैं हम आरंभ में चार घोड़े आते हैं। पहला घोड़ा श्वेत घोड़ा है, दूसरा लाल रंग का है, तीसरा काला घोड़ा है और चौथा पीला घोड़ा है। पहले घोड़े के कारण जय प्राप्त हो रही है, शांति मिल रही है, समाधान मिलती है। लेकिन जब लाल रंग का घोड़ा आता है वहां पर मैल उठाया जाता है, उसके ऊपर अधिकार दिया गया है, सवार के ऊपर से मैल उठाता है और वो क्या करता है, वध करता है। वो वध करता है अर्थात लोग एक दूसरे को वध करते हैं। उसके हाथ में बड़ी तलवार दी गई है लेकिन लोग एक दूसरे को वध करते हुए जाते हैं। चार मोहरे खोलते हैं, चार घोड़े निकलाते हैं, उसके ऊपर जो सवार है उनके बारे में लिखा गया है। सो चौथी मोहर जब खोली गई थी, चौथी अकाल पड़ चुकी थी। सो हम देखते हैं कभी तलवार के कारण, कभी मरी के कारण, कभी कोई और कारण से, सब लोग वन पशुओं के कारण से एक चौथाई का सारी आबादी खत्म हो जाती है। पांचवी मोहर की ओर चलते हैं, नवा वचन देखेंगे। और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणियों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी उसके लिए वध किए गए थे। परमेश्वर के वेदी के नीचे अर्थात परमेश्वर के वेदी के पास जहां बलि चढ़ाने का स्थान होता है वहां पर उनके, यहां हम लोग गौर करने की एक बात है, गौर करने वाली बात यह है कि हम दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय तक हम लोग देखते हैं परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर ये दर्शन को देते हैं। चौथी अध्याय में जो परमेश्वर का स्वर्गदूत फिर से पुकारते हैं उन्हें ऊपर और स्वर्ग में यूहन्ना जाते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो पांचवी अध्याय से लेकर हम आगे जब बढ़ते हैं यीशु मसीह इन बातों को कहते हैं। ये यीशु मसीह यहां पर आकर इन बातों को जो संभव होने वाला है उन्हें दिखाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो मेमने ने उनसे कहा, मेमने क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है उनसे, थोड़ा और विश्राम करो। किस लिए विश्राम करो, क्योंकि गिनती पूरी होनी बाकी है। तुम्हारे जैसे कुछ लोग और वध होने वाले हैं, तुम्हारे संगी भाई हैं, तुम्हारे संगी दास है, ये सब लोग वध होने वाले हैं, इनके लिए तुम इंतजार करो, तब पलटा हो जाएगा। और जब उन्होंने, अब 11 वचन देखते हैं, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया है और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तो विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे भाइयों की गिनती पूरी ना हो। 12 वचन, और जब उन्होंने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भुईडोल हुआ, सूर्य कंबल की नाही हो गया और सारा चंद्रमा पूरी तरह से लहू जैसा हो चुका, आकाश के तारे पृथ्वी के समान पृथ्वी के ऊपर इस तरह से गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी के कारण कच्चे अंजीर के पेड़ के फल झड़ जाते हैं। आकाश सरकते निकल गया जैसा लपेटा हुआ कोई पत्र के समान सरक गया हो। पहाड़ अपनी जगह से हट गया है, टापू अपनी जगह से हट गए हैं, अपने अपने स्थानों से हट गए हैं और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों के कोहों में और चट्टानों में जाकर छिप जाते हैं और पहाड़ों से चट्टानों से कहने लगते हैं कि हम पर गिर पड़, और हमें उसके मुंह से जो उनके सिंहासन जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। हजारों वर्षों तक यह प्रकोप परमेश्वर का छिपा रहा है। प्रकोप, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर संयम को बनाए रखते हैं परंतु वो बहुत कम गुस्सा होते हैं। गुस्सा परमेश्वर का बहुत थोड़े समय के लिए रहता है परंतु उनकी समाधान की शांति जो है, उनके संयम जो है वो हमेशा रहती है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। छठवें अध्याय को हमने एक सारांश के रूप में देखा है, सातवें अध्याय में हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं जहां हम आगे कल के ध्यानांश में से इस प्रकार से कुछ बातों को लेते हैं। इसके बाद मैंने, सातवें अध्याय का पहला वचन, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों जहां से चार स्वर्गदूत खड़े थे, उनको मैंने देखा कि वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। पृथ्वी के क्या कर रहे, वे हवाओं को थामे हुए थे ताकि ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले, क्या कर रहे स्वर्गदूत, क्या कर रहे अभी स्वर्गदूत, सब लोग कहां पर खड़े, चारों पृथ्वी के चारों
के जिस बात का, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं में स्वर्गदूत खड़े होकर हवाओं को रोक रहे हैं, हवाओं को रोक रहे हैं। ये कौन सी हवाएं हैं? ये हवाएं वो हैं जिन्हें हमने छठवें अध्याय में पहला वचन से लेकर आठवां वचन तक देखा था, जो चार घोड़े निकल चुके थे, ये चार सवार जो निकले थे, इनकी हवा के बारे में कहते हैं। अब इनकी हवा को रोक दिया गया है, थोड़े समय के लिए इनकी हवा को रोक दिया गया। देखिए इस वचन में गौर करते हैं, पहला वचन पर। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे, वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। दूसरा वचन, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर ली हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। परमेश्वर का मोहर लिए हुए, किसका मोहर है ये? परमेश्वर का मोहर लिए हुए है। हम जो प्रकाशित वाक्य की ओर हम लोग देखते हैं, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज घोड़ों का उपयोग नहीं होता है, आज रथों का उपयोग नहीं होता है, आज किसका उपयोग होता है? वाहनों का उपयोग होता है। आज बड़े बड़े वाहनों का एक सेकंड में यहां से लेकर 100 किलोमीटर एक मिनट में जाने वाली इतनी तेज रफ्तार से चलने वाली वाहनों का उपयोग हम लोग करते हैं। तो जो समय में लिखा गया था, ये समय था राजाओं का समय, और फिर वापस आने वाला है राजाओं का समय। गौर कीजिए इस बात को, ये समय था राजाओं का समय, अभी वापस आने वाला है राजाओं का समय। तो इसलिए वो घोड़ों को उन संकेत के रूप में दिखाते हैं, और चार घोड़ों के ऊपर जो चार सवार थे उनको ये काम दिया गया है, अभी हवाओं को रोक दिया जाए, अभी हवाओं को रोक दिया जाए। कैसी हवाओं को रोक दिया जाए देखते हैं हम लोग। ओके, इनके चारों ओर जो खड़े हैं, पृथ्वी के चारों कोने में जो खड़े हैं, इनको पृथ्वी के ऊपर कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए उन्हें हवाओं को रोक दिया गया। और एक और स्वर्गदूत कहां से आते हैं? जीवित परमेश्वर के पास से आते हैं। क्या लेकर आते हैं? परमेश्वर का मोहर लेकर आते हैं। और कहां से आते? वे पूरब से ऊपर की ओर आते देखा उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। इनको पहले अधिकार दिया गया था, लेकिन अभी ऊंचे शब्द से इनसे क्या कहते हैं? तीसरा वचन में, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा दें। इनको जिनको नाश करने का अधिकार दिया गया है उनसे कहते हैं, अभी उनसे कहते हैं रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। वैसे इन्हें अधिकार दिया गया था उसके पर हानि पहुंचाने के, लेकिन अभी क्या कहते हैं? परमेश्वर के पास से एक स्वर्गदूत आकर परमेश्वर का मोहर लेकर, मोहर का अर्थ है परमेश्वर का सील लेकर आते हैं, अधिकार को लेकर आते हैं। उस अधिकार से वे कहते हैं, हम परमेश्वर के यहां से आए हैं और हम तुमसे कहते हैं रुक जाओ। क्यों रुकना है? क्योंकि हमें जाकर अभी सबके माथे पर मोहर लगाना है। किसके माथे पर? किसके माथे पर? तीसरा वचन का देखते हैं, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर, जो परमेश्वर के दास कहलाते हैं, परमेश्वर के भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर के भक्त भक्त परमेश्वर के बेटा बेटी जो कहलाते हैं, उन सब के मोहर ना लगा दे, तब तक तुम पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। चौथा वचन, और जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी कि इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मोहर दी गई थी। इसराइल के संतान अर्थात पुराने नियम की ओर हम लोग चलते हैं, पुराने नियम की ओर। कलीसिया अलग है, कलीसिया के बारे में जब भी जिक्र किया गया, कलीसिया कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कलीसिया बनते हैं। लेकिन जो इसराइल है, ये जो इसराइल है, अब्राहम के जो गोत्र में से है, उनमें से 144,000 लोगों को परमेश्वर का मोहर दिया गया है, उनके माथे पर मोहर दिया गया है। मैं आपको फिर से दोहराता हूं, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, 24 सिंहासनों में से 12 सिंहासन इसराइल के गोत्र के उन पुरनियों के लिए सिद्ध किए गए हैं।
और उनमें से 12 जो सिंहासन है वो यीशु मसीह के चेलों के लिए, इसराइल के गोत्र के पुरनियों के लिए जो जो संकेत देता वो पुराने नियम का संकेत है, और जो यीशु मसीह के चेले जो है वो संकेत नया नियम का संकेत देता है, जिसका मतलब यह है कि स्वर्ग लोक में पुराने नियम से भी लोग रहेंगे, नया नियम से भी लोग रहेंगे। ये कैसा होता है? लेकिन लेकिन हम सबको ये जो युग दिया गया है, जो समय दिया गया है, हमें प्रभु का सुसमाचार सुनने का, उसके आधार पर चलने का समय दिया गया है। हम सब लोग जो जय प्राप्त करते हैं, यीशु के सिंहासन पर बैठने का एक हक को प्राप्त करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसराइल की संतानों में से सब गोत्रों में से 144,000 पर मोहर दी, पांचों वचन। यहूदा के गोत्र से 12,000, रूबेन के गोत्र में से 12,000, गाद के गोत्र से 12,000, आशेर के गोत्र से 12, नफ्ताली के गोत्र से 12, मनश्शे की गोत्र से 12, शमोन के गोत्र से 12, लेवी की गोत्र से 12, और लेवी के गोत्र में से 12,000, इशकार के गोत्र में से 12,000 लोगों को मोहर लगाई गई है। 8 से 12 और बिन्यामिन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई है। 9 वचन के देखते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की, 12,000 मिलाते हुए 12 कुलों को लेते हैं, 144,000 होती है। 9 वचन में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और हर कुल, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। कौन है ये लोग? कहां से आए हैं ये लोग? कहां से आए? देखें, हर एक जाति में से, हर एक कुल में से, हर भाषा में से, धरती के ऊपर जितने प्रकार के लोग हैं, जितने भी देश है, जितने भी जातियां हैं, उनमें से सब लोगों में से सब लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाया गया है। और इनकी गिनती इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी भीड़ है कि इनको कोई गिन नहीं सकते हैं। और इनको क्या दिया गया है? श्वेत वस्त्र दिया गया है। इन्हें क्या दिया गया? श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र सबसे पहले उद्धार का चिन्ह होता है, श्वेत वस्त्र। इसके बाद श्वेत वस्त्र परमेश्वर के शांति का प्रतीक होता है, और परमेश्वर के याजकों का प्रतीक होता है। परमेश्वर के याजकों को हम देखते हैं श्वेत वस्त्रों में रहते हैं, परमेश्वर की शांति को हम देखते हैं श्वेत का प्रतीक हम देखते हैं, और हम इस प्रकार से देखते हैं उद्धार को, परमेश्वर के श्वेत उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर ने श्वेत वस्त्रों को दिया था। मैं फिर से दोहराने की कोशिश करता हूं इस बात को, आज भले इस धरती के ऊपर कितनी लड़ाई क्यों ना करें लोग अपने अपने ज्ञान का उपयोग करते, अपने तर्क का उपयोग करते, इसका उपयोग उसका उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद में श्वेत वस्त्रों को अलग अलग रूप देने की कोशिश करते हैं। आज कोई जाते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए जाते हैं, काले कपड़े पहनकर जाते हैं, जितने कपड़े पहनो, जितने रंग पहनना पहनो पहनो पहनो, लेकिन श्वेत वस्त्र उसी को रहेगा जो जय पाकर परमेश्वर के राज्य में जाएगा। परमेश्वर के वचन को कोई मिटा नहीं सकते, कोई हटा नहीं सकते, कोई रद्द नहीं कर सकते उसे। हम आराम से देखते आ रहे हैं जो 24 सिंहासन पर बैठे हैं, उन्हें भी श्वेत वस्त्र दिया गया है। जो प्राण हमने वेदी के पास देखी है, जो वध किया गया है, दिया गया है। और यहां पर हम देखते हैं इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ है, इस भीड़ की संख्या को कोई गिन नहीं सकता। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? तेरी संतान को मैं इतनी बड़ा बनाऊंगा कि आकाश के सितारों के समान, धरती के सारी समुद्र के रेत के समान बनाऊंगा, जिसे कोई गिन नहीं सकता। लेकिन ये गिनती परमेश्वर की नजर में है ना? सोचने परमेश्वर गिन नहीं सकते, परमेश्वर गिनते हैं, परमेश्वर के सामने पूरी गिनती है। लेकिन यूहन्ना क्या कहते हैं? आपकी और मेरी गिनती से परे है ये, हम गिन नहीं सकते उन्हें, हम नहीं गिन सकते हैं। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग यहां पर बैठे हैं। कहां से आए? पृथ्वी के हर एक कुल से आए हैं, हर एक जाति से आए हैं,
हर प्रकार के लोगों में से आए, हर प्रकार की भाषा में से आए हैं। परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, परमेश्वर जगत से प्यार किया, परमेश्वर सिर्फ आपसे नहीं, मुझसे नहीं, सारे जगत से प्रेम किया है। तो जगत में जितनी जाति के लोग हैं, जितने भाषा के लोग हैं, उन सबको परमेश्वर प्रेम करते हैं, उन सबको परमेश्वर प्रेम करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओके, नववचन में और देखते हैं, वे सब लोग कैसे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हैं। खजूर की डालियां हमें तुरंत ईस्टर की याद दिला देती हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के, सॉरी यीशु मसीह के सलीब से पहले, जो यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार होकर जा रहे थे, सब लोग अपने अपने वस्त्र को उनके सामने डाले थे, गधे के ऊपर डाले थे, और इसी तरह से सब लोग जाकर खजूर की डाले काट काट कर राह पर बिछाते हुए जा रहे थे। हमें स्मरण आती है यीशु की वो यात्रा जहां यीशु मसीह ठीक एक सप्ताह पहले पुनरुत्थान के दिन से एक सप्ताह एक संडे, जो ये खजूर का इतवार जिसे कहलाते हैं, खजूर का इतवार होती है। उसके बाद यीशु मसीह सोमवार के दिन जाते हैं, जाकर मंदिर की सफाई करते हैं, मंगलवार के दिन जाते हैं अपने चेलों के साथ जैतून के पहाड़ पर रहते हैं, बुधवार के दिन हमने कहा कि वो विश्राम, वो एक शांति, वो एक मौन बुधवार कहलाता है। यीशु मसीह कहाँ पर थे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन शायद हो सकता अपने चेलों के साथ में जैतून के पहाड़ पर ही हैं। और बृहस्पतिवार का दिन होता है यहाँ यीशु मसीह ऊपरी कोठरी में जाते हैं, अंतिम फसह को अपने चेलों के साथ में खाते हैं, उसी रात को उनको पकड़ लेते हैं। शुक्रवार के दिन उन्हें सलीब पर चढ़ाते हैं, शनिवार के दिन वो समाधि के अंदर विश्राम करते हैं, रविवार के दिन वो पुनरुत्थान होते हैं। यहां देखते हैं हम खजूर की डाली को पकड़ के उस सिंहासन के सामने खड़े हैं, उनको सबको श्वेत वस्त्र दिया गया है, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए अपने हाथों में खजूर की डाली। आप जानते हैं यीशु मसीह के पीछे उस दिन जो गधे पर यीशु मसीह सवार होकर जा रहे थे, उनके आगे आगे डालियां उन्होंने पकड़ा था। तो अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। खजूर की डालियां लेकर वही लोग उनके पीछे चल रहे थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लिया है। वहां से आरंभ होती है, यीशु मसीह अपनी सेवकाई की आरंभ करते हैं। जब सेवकाई की आरंभ करते हैं, कई लोग उनके बीच आते हैं, लेकिन यरीहो से जब होकर यरूशलेम की ओर जा रहे थे, यरूशलेम की यात्रा में बहुत बड़ी भीड़ उनके सामने थी, उसी का प्रतीक एक दिखाते हुए कहते हैं, अब खजूर की डालियां पकड़े हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये सारी भीड़ अभी कहां पर है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मेमने के सामने, अर्थात यीशु मसीह के सामने खड़ी है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। दसों वचन की ओर हम लोग चलते हैं, और बड़े शब्द से ये सब लोग क्या कर रहे? अभी बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जयकार जय जयकार हो। ये सारी भीड़ जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, उस मेमने के सामने है, वे बड़े शब्द से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा हो, और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीनों और सॉरी और सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, जो सब लोग चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, वे फिर से सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहने लगे, आमीन। फिर से देखते हैं, और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और सिंहासन पर बैठे हुए सारे प्राचीन और चारों प्राणी, ये सब जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े हैं, वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके आमेन कहने लगे। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमेन कहते हैं फिर से 13 वचन में। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू। We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay.
ग्यारह वचन से फिर से एक और बार पढ़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क बहुत ही शुद्ध है, कृपया हमारे साथ दीजिएगा। और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और उन पर जो बैठे हैं, प्राचीन और चारों प्राणी जो सिंहासन के चारों ओर खड़े हैं, वे फिर से सिंहासन के सामने मुख के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहने लगे, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। फिर से कहते हैं, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही, सॉरी तेरा वचन में। इस पर ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? यूहन्ना इन सब दृश्यों को देखने के बाद सवाल पूछना बंद कर दिए। इससे पहले तो रो रहे थे वे, पांचवें अध्याय के आरंभ में देखते हैं वे तो फूट फूट कर रोने लगे थे, लेकिन इतना सुंदर सा दृश्य देखने के बाद, कितना सुंदर दृश्य है यह, एक साथ उन्होंने देखा परमेश्वर और मेमना यीशु मसीह को, उन्होंने देखा परमेश्वर के सिंहासन के चारों के प्राणियों को, देखा सिंहासन के चारों ओर जो खड़े हैं 24 प्राचीन उन सिंहासनों को देखा, फिर सैकड़ों सैकड़ों स्वर्गदूतों को देखा, फिर 144,000 इसराइल के संतानों को देखा, उसके बाद गिनती से परे परमेश्वर के भक्तगणों को देखा। उन्होंने हाथों में खजूर और जिन्हें पहनने के लिए तो वस्त्र, मौन हो जाते हैं, सवाल पूछना बंद कर देते हैं। तब उन प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से पूछा, मुझसे पूछा, तेरा वचन में। इस पर प्राचीन था, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? 14 वचन में कहते हैं, मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। ये वे हैं जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने की लहू में धोकर श्वेत किए हैं। फिर कहते हैं श्वेत वस्त्र के बारे में, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। Glory to God, Hallelujah, thank you Jesus, O Lord। क्लब तरफ से हम लोग समझाते, फिर इसके बाद में कल के ध्यान में और आगे जाएंगे। आज काफी सारे अड़चनों में से हम लोग आगे जा रहे हैं। हमारे परमेश्वर की स्तुति और आदर सामर्थ शक्ति युगानुग बनी रहे, आमन कहते हुए प्राचीनों में से उन्होंने एक बार कहा, श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? यूहन्ना कहते हैं, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। एक बहुत बड़ा क्लेश आने वाला है, इससे पहले कई क्लेश आ चुके हैं, इनमें से निकल कर आए हैं और अपने अपने वस्त्र को मेमने के लोह में अर्थात ईश्वर के उद्धार में उन्हें श्वेत कर लिया है, धोकर श्वेत कर लिया है। इसी कारण से क्या करते हुए परमेश्वर, अगर आपको भी परमेश्वर के राज्य में पहुंचना, परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंचना है, आपको भी उद्धार प्राप्त करना होगा। बड़े क्लेश में शिशाद आप होकर गुजर रहे होंगे, हार नहीं मानना है आपको, आपके वस्त्र को लोह में धोकर शुद्ध करना है, श्वेत वस्त्र पहनकर जाना है और इसके मंदिर में परमेश्वर की सेवा करेंगे। जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, इन्हें और कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी, और ना उन पर कोई धूप होगी, ना कोई तपन उनके ऊपर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर वचन सुनने वाले आपकी आंखों से हर एक आंसू का कतरा पोंछ डालेंगे। आज बड़ी क्लेश से होकर आप जा रहे होंगे,
कितने मुसीबतों से होकर आप जा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी हर एक आंख की आंसू को देख रहे हैं। एक वक्त आएगा सारे आंसू को पोंछ देंगे, वरन अभी भी परमेश्वर आपकी पर कृपा दृष्टि करते हैं, आपकी आंखों के आंसू को पोंछेंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, दुहाई देते हैं एक और आज जो आपने सौभाग्य के रूप में हमें प्रदान की है कर पाए। परमेश्वर स्वर्ग राज्य हमें प्रदान कीजिए, इस संसार के क्लेश निकाल पाए, प्रभु हम जय को प्राप्त कर पाए। हमारा लक्ष्य प्रभु स्वर्ग राज होना चाहिए। हम सलीब के मार्ग पर होकर ईश्वर के उद्धार स्वीकारते हुए उस उद्धार की राह पर चलने के लिए कितने भी मुसीबत क्यों ना आए, पीछे न मुड़ते का भाग्य में प्रदान कीजिए। आपके शरण में सर झुकाए हुए वचनों को सुने हुए हर एक भक्तगण को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक जन के ऊपर अनुग्रह पर नजर अपनी फेर का परमेश्वर अपनी आशीषमान स्पर्श के शब्दों ने छू ले। खुदा प्रार्थना को सुनकर अपने उत्तर के लिए धन्यवाद ईश्वर के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ में प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय तक सदा के लिए बरकरार रहे, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी को जय।